आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, थोड़ी शायद निराशा भी हो, पर पहले खबर सुन लेते हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज होस्ट करने का ऑफर दिया है। 15 साल में इंडिया और पाकिस्तान ने एक भी द्विपक्षीय यानी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली है। हालांकि दोनों टीम्स लगातार ICC टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के आमने सामने आती रही हैं। द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के डेप्यूटी चेयरमैन मार्टिन डार्लो ने फिलहाल इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच चल रही T20 सीरीज, जो कि अभी चल रही है, इस सीरीज के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की है। इसी बातचीत के दौरान डार्लो ने इंग्लैंड के स्टेडियम्स में 3 मैच की इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज होस्ट करने का प्रस्ताव दिया है। इंडिया और पाकिस्तान हाल ही में हुए एशिया कप में आमने सामने थे। इंडिया ने एक मैच जीता और दूसरा मैच पाकिस्तान के पाले में गया था। दोनों टीम्स जब भी आमने सामने होती हैं, फैंस में अलग ही रोमांच होता है। BCCI के एक अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी PTI से बातचीत करते हुए इस मसले पर बताया, ECB ने PCB यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक इंडो पाक सीरीज के बारे में बात की है। ये अजीब है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का निर्णय BCCI नहीं, भारत सरकार लेगी। फिलहाल हमारा निर्णय वही है, हम पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ मल्टी टीम इवेंट्स में खेलेंगे। मल्टी टीम इवेंट्स यानी ICC के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें कई सारी टीम्स हिस्सा लेती हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार वाइड बॉल सीरीज 2012 में इंडिया में हुई थी। टेस्ट की बात करें तो दोनों टीम्स ने आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट 2007 में खेला था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट का द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुआ है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को IPL में भी खेलने से रोक दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि आखिर ECB ने ये ऑफर क्यों दिया। ECB का मानना है कि ये मैच यूनाइटेड किंगडम में बहुत भीड़ लेकर आएंगे, इस मैच से ढेर सारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिलहाल इस तरह की सीरीज के पक्ष में नहीं है। इधर टेरर अटैक्स की वजह से लंबे समय तक कोई भी देश पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा था। पाकिस्तान इस दौर में अपने होम गेम्स UAE में खेल रहा था। हाल ही में टीम्स ने फिर से पाकिस्तान का दौरा करना शुरू किया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम फिलहाल 7 T20 मैच खेलने पाकिस्तान आई हुई है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फिलहाल यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर है। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीम्स का मुकाबला 23 अक्टूबर को होना है। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत, कैमरे के पीछे हैं जतिन और ये खबर आप ललन टॉप स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। यहाँ हम आपको क्रिकेट से जुड़ी सारी बड़ी खबर लगातार लेकर आते रहते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बाकी सारे स्पोर्ट्स से भी जुड़ी सारी बड़ी खबरें पेश करते रहते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहते हैं। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।